बाय बाय श्रुति। ओए बुड्ढे, समोसे और ठंडा भेजना। पता नहीं कौन है ये दिमाग से पैदल, जरूर किसी पॉलिटिशियन का लड़का होगा। क्या हुआ? अरे रे रे रे, स्कर्ट फट गई। मैं पास में एक टेलर को जानता हूँ, मेरा नाम लेगी तो फ्री में सिल के देगा, समझे? मुझे छोड़ दो। देखा वाणी, सबके सब बुजदिल हैं यहाँ पर, ऐसा कोई नहीं जो उसे बचाए। क्या रे, डर गया क्या? अब डरेगा तो तू। लगता है उसने तुम्हारे दिल की बात सुन ली। आगे मंदिर के पास एक जूता सिलने वाला बैठता है जो तेरा ये जख्म सिल देगा, उससे मेरा जिक्र करना, फ्री में सिल देगा। ए, मेरा डायलॉग मुझे पे मारता है। डायलॉग हीरो मारता है बेटा, विलन नहीं। तू यहीं पे रुक, तेरी वाट लगाता हूँ। वाट को चाट में डालकर खा ले, उस पर ऊपर से मिर्च मसाला मैं डाल दूंगा। तू जा और जिसको लेके आना लेके आ। ए, चल। ओए, ये क्या था? ये सब तो चलता रहता है यार, तू जाके कुछ खाने के लिए लेकर आना। लाता हूँ। ए हीरो, नाइस जॉब। थैंक यू। आई एम अनामिका, व्हाट्स योर नेम? शिवाजी, फ्रेंड्स कॉल मी शिव। अहा, 9349341, व्हाट्स योर्स? 9260666771। दिस इज फ्रॉम माय साइड। इंटरेस्टिंग। एंट्री तू लेता है और पिटने के लिए हमेशा मुझे भेज देता है। देख, अगर तुझे हीरो बनना है तो एंट्री लेने की, फाइट करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना कोई भी एरा गैरा आकर तुझे खोपचे में लेकर ठोक डालेगा। अगर वो वापस आए तो तू लड़ लेना, ठीक मतलब है? वो फिर से आएगा? हाँ, वो जरूर आएगा। हाँ? टाके लगवाने में एक घंटा तो लग जाएगा, तब तक निकल लेते हैं। वो आया तो उस पे बैठ जाना, मर जाएगा। हे रुक, मैंने कहा था ना वो जरूर आएगा, जरा जाने का रास्ता देना। रास्ता नहीं बाबा, तेरे को मौत जरूर देंगे। तू तो गया रे, फिनिश। ये तो मामला जरा सा बिगड़ गया। चेन खाल उधेड़ देगी। हथौड़ा सर फोड़ देगा।
चाकू चीर कर रख देगा। इंटरेस्टिंग, कुल्हाड़ी ये तो फाड़ देगी। तो मुझे ऊपर पहुंचाने का पूरा इंतजाम करके आए हो, गुड। एक बात कान खोलकर सुन लो भाई लोग, अगर तुम लोगों का किया हुआ पहला वार मैंने बचा लिया ना, तो तुम सबको मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। निकल ले। ये ऐसा वैसा नहीं लगता, कुछ तो बात है इसमें। जा मार। मुझे इसकी शर्त मंजूर नहीं है। लड़ोगे या सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे? हाँ? चलो आ जा। अरे यार लफड़ा तो हुआ ही नहीं, शे ना हाथ उठाए ना पैर, फिर भी जीत गए, कमाल हो तुम। मशहूर अभिनेत्री नेहा शर्मा अपने घर में आग दुर्घटना में जलकर मर गई। सिने जगत की कई जानी मानी हस्तियां उनकी शोक सभा में पहुंच रही। यार नेहा शर्मा तो नहीं रही, अब मैं एक्सरसाइज किसके लिए करूं? फालतू की बातें छोड़ और कसरत पे ध्यान दे, समझा? कथा कहेगा अनामिका, पता नहीं इस वक्त कहाँ होगी। अगर इतना ही है तो उसे फोन करके तू पूछ क्यों नहीं लेता? लोग तो बिना टच के टच में रहते हैं। हेलो, हाउ आर यू, हाउ वाज द लास्ट नाइट, कैन वी कैच अप टुडे? लड़के लड़कियों से कनेक्ट रहने के लिए क्या कुछ नहीं करते, और तू इतना नहीं कर सकता? बाप रे, शक्ल देखकर तो नहीं लगता कि तू इतना चालू है, बिना पूछे ही सबको सलाह देने लग जाता है। कॉल सेंटर, बढ़िया ही बम्पर। बदबू, यू डिड अ ग्रेट जॉब लास्ट नाइट। ए, अनामिका का मैसेज आया है। बढ़िया, अब दिल कनेक्ट हो गया, तू भी लड़की से कनेक्ट हो जा। इट वॉज जस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो फोर्थ गियर में आगे बढ़ रही है और तू रिवर्स गियर में पीछे जा रहा है, क्या कर रहा है? फोन दे मुझे। अरे मेरा फोन दे, फोन दे मोटी, तेरी उंगलियां फोन तोड़ देगी। फोन दे यार। उसे लगेगा मैं उससे मिलने के लिए डेस्परेट हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है? अरे रुक, भेज दिया। अगर इस एसएमएस का पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया ना, तो तुम दोनों की शादी करा दूंगा। ए, उसने तो मिलने के लिए हाँ कह दी। बोला था ना, तू हाईवे है और वो रनवे पर है, दोनों एक्सीडेंट कर डालो। ए, ए, सुनो। क्या? उसे किस रेस्टोरेंट में लेकर जाऊंगा? Hi. How are you? I'm fine, thank you. दो दिन से आपके आने का इंतजार कर रहा हूँ। How rude. मैं लेट हूँ ना? वो जन्नत ही क्या जो एक पल में मिल जाए। Please. Thanks. तो ये तुम्हारी पहली डेट है? No. 31st. और तुम्हारी? Second. एक्चुअली ये मेरी फर्स्ट डेट है। एक्चुअली मैंने भी झूठ बोला, तुमने 31st बोल दिया तो मैं डर गया, सोचा जीरो कैसे बोलूं। एक्चुअली दिस इज माय फर्स्ट डेट। ओह, तो तुम मेरे टाइप के हो। किस टाइप का? फॉर्मल, सेंसिटिव, बोरिंग टाइप के। तुम बहुत शर्मीले स्वभाव के हो और दूसरों के सामने अपनी बुराई छुपाकर सिर्फ अच्छाई दिखाते हो। ओह वाओ, दो मिनट में ही तुमने मुझे पहचान लिया, तो अब ये नाटक क्यों? Let's go. Hey, wait. मुझे घूमना फिरना पसंद नहीं है, यहीं बैठे रहो। मुझे लगा तुम्हारा टाइप भी मेरी तरह ट्रैवलर टाइप है। चलो ऑर्डर करते हैं, वरना देर हो जाएगी। मुझे लगा बस बातें करने आए हैं। One red wine. Okay. Make that two, please. देखा, अपनी आदत छुपा ली। तुम वाइन टाइप के नहीं, वोडका टाइप के लगते हो। Go for it. Thanks. Give me a vodka, please. Okay, sir.
टैटूज, डोले शोले, काफी वर्कआउट करते हो। ओह, तुमने नोटिस किया? मैं नोटिस करूं इसलिए तो तुमने जैकेट निकाली। पकड़ा गया। तो तुम काम क्या करते हो? आई एम इनटू डिजिटल मार्केटिंग, सेल्फ एम्प्लॉयड। वाओ, और तुम क्या करती हो? रिकॉर्ड के हिसाब से मैं ऑलरेडी गोवा में हूँ, लेकिन कल वहाँ पहुँच जाऊंगी। बिल प्लीज। Hey, come on, what is this, यार? जो लड़की कल सुबह गोवा जा रही है उसके साथ मैं आज यहाँ टाइम वेस्ट क्यों करूँ? फालतू में फंस गया। hey, सिर्फ एक डिनर करने आए थे, लाइफ लॉन्ग प्लानिंग थोड़ी करने आए थे। देखो, तुम यहाँ टाइम पास करने आई हो, मैं टाइम इन्वेस्ट करने आया हूँ। बिल प्लीज। hey, come on, मैं गोवा नहीं जा रही। I was just joking. Oh, अभी भी चांस है। Cheers. Cheers. तुम्हारे लिए खूबसूरती के क्या मायने हैं? मेरे जैसे मिडिल क्लास लड़के को जो मिल जाए वही खूबसूरत है। ऑनेस्टी, फिटनेस एंड हाइजीन। अगर तुम्हारी बीवी शादी के बाद मोटी हो गई तो क्या छोड़ दोगे? ये भी कोई पूछने की बात है? हाँ? कोई लड़की जिंदगी भर वैसी ही रहे जैसा मैंने उसे पहली बार देखा था, ये क्या गलत है? ये कैसे पॉसिबल है? ओके, मान लो कल हमारी शादी हो गई और 2 साल दारू पी पी कर मेरा पेट घड़े की तरह बाहर निकला है, तो तुम्हें चलेगा? एक बार शादी हो गई तो निभानी पड़ेगी ना। बिल प्लीज। सर, बिल तो आधे घंटे से रखा है और रेस्टोरेंट बंद किए 1 घंटा हो गया। प्लीज। तो तुम्हें कहीं छोड़ दूं? नहीं, मैं टैक्सी ले लूंगा। मैं ड्रॉप कर दूंगी। अगर मैं ड्रॉप कर दूं तो? पर कैसे? अगर हम पैदल रास्ता तय करें तो कैसा रहेगा? तुम चलोगी? ओके, आप घर चलिए, मैं आती हूँ। ओके मैम, कम, लेट्स गो। ओके। आज सच में बहुत मजा आया। स्वच्छ भारत अभियान, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मौसम बहुत अच्छा है ना? हल्का हल्का सुरूर, बगल में खूबसूरत लड़की, मौसम तो सुहाना लगेगा ही। तुम ड्रम्स भी बजाते हो? बिल्कुल भी नहीं, कॉलेज में बेंच पे बैठकर कभी कभी कैंटीन की प्लेट बजा लेता था। ओके अनामिका, तो मैं यहाँ से कैब ले लेता हूँ। कैब आने तक घर पर रुक जाओ। श्योर। इसे क्यों इनवाइट किया अगर इसकी नियत खराब निकली तो? एक्चुअली मेरे मॉम डैड घर पर ही हैं, चलेगा ना? तो क्या हुआ, उनसे हाय कहकर चला जाऊंगा? नियत का तो साफ लगता है। मैडम, ये छुप जाओ, क्या बात है रामकृष्णा? ड्राइवर ने कार की चाबी भेजी है। थैंक्स। तुम इतना डरते क्यों? आधी रात को इसने मुझे किसी अनजान लड़के के साथ देख लिया तो क्या सोचेगा? पर तुम्हारे मॉम डैड है ना ऊपर? नहीं है। तो फिर तुमने मुझसे ऐसा क्यों कहा? मैं चेक कर रही थी कि तुम्हारा कोई बैड इंटेंशन तो नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे बैड इंटेंशन मेरा नहीं तुम्हारा है। हेलो, मेरू कैब्स? यस सर, बोलिए। मुझे कोथाकोडा जंक्शन से पिकअप चाहिए। आधे घंटे में पहुंच जाएगी सर। ओके। मेक योरसेल्फ होम। वाओ, नाइस होम। थैंक यू। ए, एक और ड्रिंक चाहिए? श्योर। ओके, कुछ खाओगे? नहीं, थैंक यू। हे, ये लो। थैंक्स, दैट्स इनफ, थैंक यू। नाइस। तो तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं? जब मैं 4 साल की थी मेरी मॉम गुजर गई। ओह, आई एम सॉरी टू हियर दैट। गंगाधाम में मेरे डैड की जमींदारी है, ये अपार्टमेंट कॉलेज के पास है, इसलिए डैड ने ये फ्लैट मेरे लिए खरीदा। ही बिलीव्स इन रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम। ए, क्या हुआ? पापा की याद आ गई। जब कॉलेज जाने के लिए मैंने उनसे बस पास के पैसे मांगे तो उन्होंने बाइक खरीदी और उसकी कीमत उन्होंने 4 साल दिन रात काम करके चुकती की। तुम्हारे डैड क्या करते हैं? टैक्सी ड्राइवर हैं। ओह, तो तुमने उन्हें क्यों नहीं बुलाया? मुझे नशे में देखकर वो मुझे पीट देते। बाय द वे, आई थिंक यू आर रिच।
एंड टू डम यार। ए, मैं बहुत देर से देख रही हूँ, तुम कुछ ज्यादा ही हार्श होते जा रहे हो। अच्छा ये बताओ, पहली डेट में किसी अजनबी को आधी रात को अपने घर लेकर आना कोई अकलमंदी की बात है? हा? तुम डेट में पास हो गए तभी तो तुम्हें यहाँ पर बुलाया। मैं बताती हूँ कैसे। पॉइंट नंबर वन, जब भी कोई लड़की के साथ रेस्टोरेंट जाता है तो उसके लिए दरवाजा खोलता है, और इन हरकतों में 30% फेल हो गए। पॉइंट नंबर टू, लड़की को घूरना चाहिए लेकिन कोई कोई तो नजर ही नहीं हटाते हैं, और इसमें लगभग 40% फेल हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारा बिहेवियर बाकियों से काफी अलग था। पॉइंट नंबर थ्री, कुछ लोग तो सिर्फ बोलते ही जाते हैं, आपकी सुनते ही नहीं। बातचीत होनी चाहिए, इट शुड बी फ्री फ्लो। तुमने सारे टेस्ट पास कर लिए इसीलिए यहाँ पर हो। थैंक यू। एक्चुअली इस अवार्ड के असली हकदार मेरे पापा, मेरे दादा, मेरे नाना और मेरी माँ। अरे तुम्हारी थैंक यू स्पीच को रोक दो, मैं एल्बम लेकर आती हूँ। यू नो वॉट वॉट आई वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग। लाइफ में पहली बार मैं इतना सेफ फील कर रही हूँ। यानी अब मैं अजनबी नहीं रहा? Can I use the bathroom, please? Do you want me to play some music? Yeah, sure. Okay. अरे 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 शिवा, कितना लकी है यार तू, फर्स्ट डेट में ही लड़की इन हो गई है। क्या चांस है, अब कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। मैं उससे साफ साफ कह दूंगा, तू ही मेरी जिंदगी है। देख भाई, मेरी बात ध्यान से सुन, किस विस बिल्कुल मत करना, जो भी करना है शांति से करना, फोकस। बदबू आ रही है, माउथ वॉश से उसे इंप्रेस कर दूंगा। कौन है तू, क्या कर रहे हैं यहाँ? सर, मैंने पुलिस को फोन किया था, एक लड़की को अपने ही घर से किडनैप कर लिया गया है, उसका पीछा करते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा, पता नहीं यहाँ से उसे कहाँ ले गए। स्वामी, ये एरिया किस जोन में आता है, चेक करो जरा। हेलो हेलो, कंट्रोल रूम, घर चिरौली से स्वामी कॉलिंग। कौन है वो लड़की, वाइफ है? नहीं सर। सिस्टर? नहीं सर। लवर? नहीं सर। कॉल गर्ल? ए तमीज से बात कर। शट अप एंड आंसर माय क्वेश्चन। कॉल गर्ल नहीं थी सर। नाम बताओ। अनामिका सर। उसका नाम नहीं, तुम्हारा नाम।
शिवाजी क्या करते हो? डिजिटल मार्केटिंग, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। और बाप? उनका इससे क्या मतलब है? लड़की की डिटेल्स पूछिए, उसे कहाँ लेकर गए ये सोचकर परेशान हो रहा हूँ। तुम्हारे पिता क्या करते हैं वो बताओ। टैक्सी ड्राइवर है। शादी हो चुकी? मेरी या मेरे पिता की सर? शाणा। स्वामी चेक करो जरा। लड़की का नाम बताओ। अनामिका सर। पूरा नाम? नहीं जानता, पूछा नहीं या याद नहीं? सर दासरी अनामिका दासरी। घर कहाँ है? कोथाकोड़ा जंक्शन। एड्रेस बताओ। सर एड्रेस नहीं पता है, मैं आपको अपार्टमेंट दिखा सकता हूँ। अब सुबह तक सवाल पूछते रहेंगे, आप एक्शन नहीं लेंगे क्या? दूंगा कान के नीचे, मुझे एक्शन लेना सिखाएगा? दारू पी के रोड पर हंगामा कर रहा है। ड्रग्स, शराब, रेप, ये रोज का धंधा है। ये लंबी दाढ़ी, ये बॉडी बटाटू, नाक में दम कर रखा है। चल नंबर बोल। 9160252521। डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। नंबर स्विच ऑफ है सर। अपना नंबर बोल। 9260666771। किडनैपर्स को पहचान लेगा? हाँ पहचान लूंगा। स्वामी अपार्टमेंट में जाकर चेक करो। सर। रात की ड्यूटी में 10 बजे के बाद ऐसा ही होता है, बुरा मत मानना। यहाँ आगे से लेफ्ट ले लीजिए सर। कार का नंबर याद है? ब्लैक कलर कार, AP03AF1234। गढ़चिरौली कंट्रोल रूम। हेलो हेलो। हेलो गढ़चिरौली कंट्रोल रूम। गढ़चिरौली SI स्वामी है। ब्लैक कलर स्कोडा AP03AF1234। वो कार जहाँ देखे सीज कर लो। फीमेल किडनैप सस्पेक्ट, ओवर। तुम दोनों साथ में रहते हो? बस दोस्त है सर। सर यहाँ यहाँ राइट में अपार्टमेंट है। सिक्योरिटी क्या हुआ सर? यहाँ किसी फ्लैट में अनामिका दासरी नाम की लड़की रहती है। थर्ड फ्लोर पर। हाँ सर 301। अच्छा रामकृष्ण जी एक घंटे पहले। वो लड़की किडनैप हुई है और उसकी रिपोर्ट हमारे पास है। किडनैप हुई? वो फ्लैट पर 4 दिन पहले ही आई थी, वो गोवा में है। अरे अभी तो तूने उन्हें गाड़ी की चाबी दी और कहा कि ड्राइवर देकर गया है। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा, ये कौन है सर? तुमने इसे यहाँ कभी नहीं देखा है? इसे मुझे देखने का चांस नहीं मिला सर। ये बताओ तुम उसके साथ यहाँ आए थे कि नहीं? आया था सर, पर इसके देखने से पहले छुप गया था। पर तुम कौन हो? सर लास्ट टाइम तकरीबन 11 बजे मैंने गेट खोला था, उसके बाद अब खोला है, तब से गेट बंद ही था। तुम्हारे पास उसके ड्राइवर का नंबर है? सर यहाँ कितने ड्राइवर आते हैं जाते हैं, किस किस का नंबर याद रखूंगा सर। तुम्हारा नाम क्या है? रामकृष्ण सर। यहाँ कितने दिन से हो? यहाँ 6 साल से हूँ सर। सर वहाँ CCTV कैमरा है, उसकी फुटेज में मेरे आने की और किडनैपिंग की सारी रिकॉर्डिंग होगी, आप फुटेज चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये CCTV फुटेज कहाँ रहती है? ऑफिस रूम में सर। ओपन करो। सर सोसाइटी के सेक्रेटरी अभी सो रहे हैं, उनकी परमिशन के बिना दिखा नहीं सकते। ये पुलिस की इंक्वायरी है, खोलो से। तुम यहाँ कितने बजे आए थे? सर मे बी अराउंड 12-12:15। जब उसे किडनैप करके लेकर गए थे तो 1:15 बजा था सर, उस फुटेज को भी जरा देख लीजिए। सर वीडियो के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है सर, ये फुटेज बदल दी है सर। जब इसकी लॉकअप में पिटाई होगी तब ये सब सच कबूल देगा। भाई साहब मैं यहाँ 6 साल से हूँ, मेरी ईमानदारी किसी से भी पूछ लो। सर ये दारू पी के खामखा हल्ला मचा रहा है। इस किडनैपिंग में जरूर तेरा भी हाथ है। स्टॉप इट। सर
ये सरासर झूठ बोल रहा है सर। उस लड़की के साथ में आया था, वरना उसका फ्लैट कौन सा है, यहाँ लिफ्ट कहाँ है, इसका नाम क्या है, ये मुझे कैसे पता होगा सर? उसका फ्लैट चेक कीजिए, आपको सब सच्चाई पता चल जाएगी। चाबी यहाँ है सर, सफाई के लिए है, पर उनकी परमिशन के बिना मैं। ए, खोल ताला। सर यहाँ किसी ने सब कुछ ठीक कर दिया है सर। सर यहाँ पर मेरा जैकेट रखा था सर। रामकृष्ण सर बंद कर दो। ड्यूटी पर सोया मत करो, पुलिस स्टेशन से कोई इंक्वायरी करने आ सकता है। ओके सर। देखो ये उस लड़की का पिता है, रंगनाथ दासरी, चैनल 24 सीईओ। हेलो, इज दिस रंगनाथ दासरी? यस स्पीकिंग। सर मैं गढ़चिरौली का एसआई स्वामी बोल रहा हूँ। बोलिए। सर कुछ इमरजेंसी है, आपकी लड़की के अपार्टमेंट में चोरी हुई है। चोरी? उसके फ्लैट में? उसके फ्लैट में नहीं, बाजू वाले फ्लैट में। इसीलिए आपकी बेटी से हमें कुछ पूछताछ करनी है। लेकिन वो है कहाँ सर? प्लीज उसे डिस्टर्ब मत कीजिए। एनीवे वो इस समय गोवा में है, और कुछ पूछना हो तो कल ऑफिस में आ जाइए। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। सर स्वामी वहाँ क्या हुआ? सर वहाँ फ्लैट पे तो सब कुछ ठीक ठाक था, पता चला है कि लड़की 4 दिन से गोवा गई हुई है। शिवाजी बहस कर रहा था कि चौकीदार झूठ बोल रहा है सर। अभी वैसे ही कई केस पेंडिंग है। उस लड़की को कल सुबह फोन लगाओ, जवाब ना आए तो ये सच कह रहे हैं, और अगर आया तो ये पिए हुए है। ठीक है मैं जा रहा हूँ, टाइम वेस्ट मत करो स्वामी, अभी तुम घर जाओ। याद है कल तुम्हारी बेटी की करियर काउंसलिंग भी है। ओके सर, गुड नाइट। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। इस बीच तुम एग्जैक्टली सोच लो कि वहां पर क्या हुआ था। इस समय तुम अपने होशो हवास में नहीं हो। इस सिचुएशन में आप मुझ पर बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे, मुझे घर ही ड्रॉप कर दीजिए। कहाँ? यहीं सर, आगे लेफ्ट में। ओके। सुनो बड़े होने के नाते बता रहा हूं, पियो लेकिन इतना भी ना पियो कि आसपास का होश ही ना रह जाए। 4 ग्लास पानी पीकर सो जाओ, सुबह तक सब क्लियर हो जाएगा। फ्लैट पर 4 दिन पहले आई थी, गोवा में है। उन्हें गाड़ी की चाबी दी और कहा कि ड्राइवर देकर गया है। वीडियो के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है सर। ये खामखा दारू पी के हल्ला कर रहा है। सर यहाँ किसी ने सब कुछ ठीक कर दिया है सर, यहाँ पर मेरा जैकेट रखा था सर। तुम्हारा नाम क्या है? रामकृष्ण। रामकृष्ण सर। रामकृष्ण। रामकृष्ण सर।
हेलो, क्या कहा? क्या हुआ? वो यहीं आसपास है, वो देख वहां छुपा है। रुक! क्या रे, पुलिस को कंप्लेंट करेगा? मेरी पहचान बताएगा पुलिस को? ए, साइलेंसर लगा के ठोक दे इसको। उसका बाप कहता है कि उसकी बेटी गोवा में है। बेटी को फोन लगाओ तो ऑपरेटर के मैसेज से पता लगता है कि वो इसी शहर में है। तेरी किस्मत अच्छी है कि तू बच गया। दासरे, सब कुछ न्यूज में दिखाएगा। तेरी बेटी मेरे पास है, अगर मैंने अपने लड़कों से कह दिया तो पता है कैसी फिल्म बनेगी। हाँ, फिर उसकी फिल्म दिखाना अपने चैनल पर। जो कहोगे करूंगा, मेरी बेटी को छोड़ दो प्लीज। कितनी कॉपी है तेरे पास? एक ही कॉपी है मेमोरी कार्ड में। हम ज्यादातर सेलिब्रिटीज के रेप पार्टीज को बस ऐसे ही सीक्रेट कैमरे से शूट कर लेते हैं, लेकिन वहाँ हमें इसकी उम्मीद नहीं थी। इस बात को मेरे और सीनियर जर्नलिस्ट राजेश के अलावा कोई नहीं जानता है। देश में इतनी बातें होती रहती हैं, जब पुलिस परेशान नहीं है तो तू क्यों है? इस तरह की वीडियो हाथ लगा करे तो उसे पैसे कमा। तू क्या उसे ब्रेकिंग न्यूज में दिखाकर नोबेल प्राइज लेगा? मेमोरी कार्ड कहाँ है? चीफ रिपोर्टर राजेश के ऑफिस के लॉकर में छिपा रखा है। फोन कर, बोल जग्गा नाम का आदमी उसे कलेक्ट करेगा। हेलो राजेश, कहाँ हो? दिल्ली से वापस लौट रहा हूँ सर। एनीथिंग अर्जेंट? वो 21 कैमरे का मेमोरी कार्ड अर्जेंटली चाहिए। वो कार्ड क्या हुआ सर? एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो नहीं है। तुम कब तक आ रहे हो? सुबह के 4:30 या 5 बजे तक सर। तो फिर डायरेक्टली स्टूडियो ही पहुंचो, वहाँ जगह कर कलेक्ट करेगा उसे। आर यू श्योर सर? जैसा कह रहा हूँ वैसे करो राजेश। जब तक मेमोरी कार्ड नहीं मिल जाता तब तक इस पर नजर रखो। ये रघु कहाँ रह गया? एक गोली चलाने में इतना टाइम? एक काम करता हूँ, मैं जाके देखता हूँ। लेवल मैटर लगता है, तुम पुलिस के पास मत जाना। पता नहीं इस केस में कौन कौन इन्वॉल्व है। इन गुंडों से किसी तरह बचाओ अपने आप को, कुछ दिनों के लिए इस शहर से बाहर चले जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाले, मार डालेंगे।
हेलो 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 कंट्रोल रूम, यहाँ स्वामी एसआई का एक्सीडेंट हो गया है, रोड नंबर 36 पदमपुर टेकड़ी के पास। एम्बुलेंस जल्दी भेजिए। सर सर मेरी तरफ देखिए सर, सर आंखें मत बंद कीजिए सर, प्लीज मुझसे बात कीजिए सर। सर देखो मुझे चक्कर आ रहा है, ज्यादा खून बह गया शायद। सर तुम अपने सेल सर सर सेलफोन से सिम कार्ड फेंक दो, नहीं तो वो लोग तुम्हें ट्रेस कर लेंगे। तो तुम उनके निशाने पर हो। सर तुम उससे प्यार करते हो ना? पता नहीं सर। तो फिर इतना रिस्क क्यों ले रहे हो? मेरी आंखों के सामने किडनैप हो गई सर, और मैं कुछ नहीं कर पाया। उसे बचाऊंगा नहीं तो चैन नहीं मिलेगा। उसे बचाना मेरा फर्ज है सर। पापा कहते हैं मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना हमारी जिम्मेदारी होती है। सर सर वो किडनैपर लोकल गुंडे, उनसे भिड़ने के बजाय उनसे बचना, वो चाकू मार सकते हैं, तुम्हें गोली मार सकते हैं, तुम उनसे बच नहीं पाओगे, वो पकड़ में नहीं आएंगे तुम्हारे। मजबूत बनना होगा तुम्हें, धैर्य रखना होगा, नहीं तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। याद रखना मेरी बात, ऑल द बेस्ट। सर मेरी तरफ देखिए सर, आंखें खोलिए सर, लुक एट मी सर। सर सर मेरी बेटी बिन माँ की, मुझे डर है कि मेरी मौत के बाद वो किसके सहारे रह पाएगी। सर एक बार मेरी बेटी को फोन लगा दो। सर 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 नंबर बोलिए सर। 9843 9843 9843 9843 सर 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 तक आया नहीं, आता ही होगा बॉस। हाँ ठीक है, यही है ना? हाँ यही है। जगह तुम ही हो? हाँ मेरे साथ। तू अंदर जा। बॉस चाय लगता ही नहीं। ये लो बॉस। हाँ। कबीर का नंबर नहीं लग रहा है क्या? फोन स्विच ऑफ है, पता नहीं कहाँ है। खैर ये काम भी तो उसी का था। कार्ड हमारे पास है, आखिर वो जाएगा कहाँ? वो पैसे के साथ हमें खुद ही फोन करेगा। जा चाय का पैसा दे दे और गाड़ी में बैठ। Yes, कबीर। मेमोरी कार्ड मेरे पास आ गया है। गुड। और गवाह? शिवाजी और रंगनाथन को मार दिया है। लॉज पर पहुंचकर लड़की को भी ठिकाने लगा देंगे। 10 बजे लॉज पर आकर कार्ड ले लूंगा। और हाँ वो पैसा 1 मिनट में 25 लाख तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और बचा हुआ बैलेंस कार्ड मिलने के बाद। ओके ओके भाई।
25 लाख अकाउंट में ट्रांसफर करने जा रहा है, बाकी कार्ड मिलने पर। बॉस डिलीवरी कहाँ देनी है? अरे परेशान क्यों है, पहले बैंक से 25 लाख निकाल लेंगे, कार्ड वो लॉज में आकर ले जाएगा। ये पकड़, जब तक मैं पैसे लेके आता हूँ तो यहीं रहना। बॉस मैं भी आता हूँ ना। अबे तुझे लगता है मैं पैसे लेकर भाग जाऊंगा? अरे नहीं भाई ऐसा नहीं है। चला जा। वो कार नो पार्किंग में खड़ी है, देखो किसकी है। आज तो मैं इससे खर्चा पानी निकाल लूंगा। सर उस गाड़ी के डैशबोर्ड में गन है। क्या गन है? हाँ सर। क्या कार में कोई है? नहीं सर। क्या चाहिए दोस्त? एक चाय पिलाना। देखिए सर। हेलो दिस इज ट्रैफिक पुलिस SI राव, फिल्म नगर जुबली हिल्स, प्लीज रिस्पॉन्ड। ए इस कार वाले को देखा तूने? नहीं मैंने नहीं देखा, आप बैंक में जाकर चेक कर लीजिए, शायद वहां पता चल जाए। अगर ये दोनों पकड़े गए तो मैं अनामिका तक कैसे पहुंच पाऊंगा? यही वो कार है सर। गन का लाइसेंस होगा मुझे डाउट है। सारे लोगों की पूरी तरह जांच करो और बैंक सिक्योरिटी को बताओ। कार का नंबर नोट करो, कितनी देर से खड़ी है ये? 10 मिनट से सर। कार्तिक सर फॉरेन बैंक मैनेजर को खबर करो। ओके सर। कोई भी नजर से बच ना पाए। ओके सर। गिरी बैंक से जो भी बाहर आ रहा है उसे चेक करो, किसी पर शक हो तो उसे कस्टडी में ले लो। ओके ओके सर। Hands up! Everybody down! कोई नहीं हिलेगा। ए, ये पैसा बैग में डाल। ओके 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 ओके। जल्दी। चल। जल्दी कर। Hey, drop the gun. You drop the gun. गोली मत चलाना। ए, चलो गाड़ी में बैठो। चलो गाड़ी चला। कम ऑन जल्दी आओ। मैं फिल्म नगर से इंस्पेक्टर शिंदे बोल रहा हूँ। यहाँ के आंध्रा बैंक में चोरी हुई है, चोर ग्रे कलर की इनोवा लेकर भागा है। AP03BK0077। गाड़ी रोक दे। गाड़ी रोक। ये कौन था? अब पता नहीं भाई, पुलिस के आने से पहले गाड़ी बदलनी होगी। ए, ए, चल, ए, चल। ए, मेरी कार।
हेलो, वहाँ क्या हुआ ब्रो? अचानक से दो क्रिमिनल आए और गन पॉइंट पे कार चुरा ली ब्रो। I'm extremely sorry ब्रो। ब्रो, नई बाइक खरीद लो। Hey, my bike, hey you. नमस्ते भाई। और जानो क्या कर रही हो? अरे फैन क्यों बंद है? चला फैन चला। सलाम भाई। ओए, कार्ड खेलने का टाइम है क्या? काम खत्म करके बैठे भाई। रानी डाल, खेल खत्म। देख मैं जीत गया। क्या यार। ए, कल तू कहाँ था? छोड़ मुझे। कम से कम फोन तो करता। ए, भाई मैं बस आया 10 मिनट में। तेरी वजह से कितने कस्टमर भगा दिए। चल अपने पुराने अड्डे से एक अर्जेंट कॉल है। अरे बाद में बात करता हूँ। वहाँ पुलिस की रेड हुई है। क्या मच है? लादे। हेलो। अनामिका, 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 उठो। ए, क्या बात कर रहा है? तेरा हफ्ता टाइम पर तो पहुंच रहा है, फिर ये रेड क्यों की? उससे पूछा था क्या? ये फोन पहले एसआई को दे। बिल्कुल शोर मत मचाना हमें यहां से। देख के नहीं चल सकता, नुकसान करवा दिया। ए, पकड़ उसे। Oh!
जैसे ही लॉबी में पहुंचोगे तुम्हें सीढ़ियां दिखाई देंगी, फिर तुम ऊपर चले जाना। उस फ्लोर पर लेफ्ट की तरफ स्टाफ रूम का कॉरिडोर मिलेगा। स्टाफ रूम क्रॉस करके लेफ्ट घूमने पर बोर्ड रूम्स दिखाई देंगे। उस एरिया को क्रॉस करके फिर लेफ्ट घूमना। उस रूम में तुम्हें गौतम बुद्ध की पेंटिंग दिखाई देगी। वही है मेरे डैड का कैबिन। वहां बुकशेल्फ में एक लॉकर दिखेगा। उसका पासवर्ड है 01234। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ? ओह, स्टाफ हो? हाँ सर। पर हमने सबको बाहर रहने को कहा था ना? वो मैं कैमरा लेने आया था सर। आज सनी लियोनी का इंटरव्यू है ना? पागल है क्या? तुम्हारे जर्नलिस्ट और सीईओ का मर्डर हो गया है और तुम्हें सनी लियोनी का इंटरव्यू लेना है? चल निकल यहाँ से। ओके सर। हाँ, ब्लैक डे। रॉन्ग। बट इसमें मेमोरी कार्ड के आगे तो यही पासवर्ड लिखा है। हो सकता है राजेश ने मेमोरी कार्ड देने से पहले पासवर्ड चेंज कर दिया हो। ओके, ट्राई माय बर्थ डेट। रॉन्ग। ओके, इसे खोलने के लिए एक वेबसाइट है, unlocksmith.com। वो एक हैकर साइट है। उस पर ये वीडियो अपलोड करेंगे तो 30 मिनट्स में अनलॉक हो जाएगा। पर उसके लिए हमें हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा। अब वो कहाँ मिलेगा? May I help you? हमें इंटरनेट एक्सेस के साथ एक स्वीट चाहिए। बिजनेस और प्लेजर? बिजनेस। प्लेजर। प्लेजर। बिजनेस विद प्लेजर। शादी हुई है? यस। यस। नो। तुम चुप रहोगी? फंस गए। फैसला कर लिया? शादी होने का या ना होने का, किसका? तुम्हारा झगड़ा ये बताता है कि तुम शादीशुदा हो। मुझे एज प्रूफ दो सर, तो मैं रूम दूं। शिवाजी, एज 25। कैश या क्रेडिट? पहले दाम बताओ। अकेले इंसान के लिए 5,000, जिनका आपस में झगड़ा हो तो 10,000, क्योंकि पता नहीं वो क्या तोड़ दे। और जो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए तो उसे लूट लो। तुम जैसा चाहो समझो, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए बिना सवाल के रूम दो। ओके, बताओ कितना चाहिए? 20। कभी कभी एसी लिफ्ट में भी गर्मी लगती है, कस्टमर्स पर डिपेंड करता है। सॉरी। लॉन्ड्री मैम। एक्चुअली सर, ये हमारा सबसे महंगा लगता है। डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाना पड़ेगा।
ये लो, मैं कुछ कपड़े ले आया हूँ। थैंक यू। ये क्या है? बटन कैमरा, वायरलेस 3G ट्रांसमिशन वाला। एक क्लिक और buttoncamera.com पर जाकर सीरियल नंबर डालने के बाद ये देखो, कैमरा में जो रिकॉर्ड होगा वो ऑनलाइन भी दिखाई देगा। दिस इज कूल। आधा घंटा लग जाएगा। मैं अभी आता हूं। जान जोखिम में डाली, जोखिम नहीं लूंगा तो बदला कैसे लूंगा? ये तुम्हारे लिए नहीं है, अपने आप के लिए है। मुझे अपने प्यार को बचाना है। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं ऑफिस की मीटिंग के लिए आया था, तुझे ऊपर जाते देखा तो ऊपर चला आया। तू यहाँ क्या कर रहा है? हाय। हाय। ओह। उल्लू का पट्टा। इसमें क्या है? एक इम्पोर्टेंट वीडियो अनलॉक कर रहा हूँ। कबीर और उसके कुछ गुंडों ने मिलकर अनामिका को किडनैप किया और उसके डैड और एक सीनियर जर्नलिस्ट को मार दिया, और वो सब कुछ इस वीडियो के लिए। इसके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है। वी नीड टू क्रैक दिस। पागल हो गया क्या तू? इसे देखने के बाद वो तुझे छोड़ देंगे क्या? उनका तो पता नहीं, पर मैं नहीं छोड़ूंगा। है, वो तेरे सेल नंबर से तुझे ट्रैक करेंगे और इस होटल से भी तुझे ढूंढ निकालेंगे। मैंने तो तुझे नहीं बताया कि मेरे पीछे कोई पड़ा है। तुझे कैसे पता चला? मतलब मेरा फोन नंबर तूने दिया था? ये सब छोड़ और ये वीडियो मुझे दे दे। मैं इसे हट। ये क्या कर रहा है तू? मेरी बात सुन। रात को तू तो चला गया था, सुबह वो घर पर आए थे। ए, शिवा कहाँ है? शिवा कहाँ है? मैंने पूछा शिवा कहाँ है? ए रुक, बैठ। क्यों बे? तुझे सच में नहीं पता शिवा कहाँ पर है? रात भर मैंने उसे कई फोन किए लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। वैसे आप लोग कौन हैं और मुझसे क्या चाहिए? तेरे दोस्त के पास एक इम्पोर्टेंट वीडियो है जो मुझे हर हाल में चाहिए। ये ले, 1 करोड़ रुपया एडवांस। वो मेमोरी कार्ड लेकर आ। अगर ला पाया तो और पैसा दूंगा, नहीं लाया तो वही मार डालूंगा। तूने खुद को बेच दिया, तुझे शर्म नहीं आई? किस बात की शर्म? हाँ, भिखारी से लेकर नेता तक अरबों के घोटाले करते हैं, जब उन्हें शर्म नहीं आती तो मुझे क्यों आएगी? वो पैसे तुझे भी मिलेंगे। मैं ये मेमोरी कार्ड लेकर जा रहा हूँ। पैसे के लिए मैं इस लड़की को छोड़ दूँ? कौन सी लड़की? जैसे तूने कभी लड़की नहीं देखी। अगर पैसे पास हो तो ऐसी लड़की हर घंटे मिलेगी, समझा तू? अब ये मेमोरी कार्ड मुझे दे दे। मेरी बात मान ले, जिंदगी भर हम इतना पैसा कभी नहीं कमा पाएंगे। ये
उन दोनों को पकड़ो। निकाल मेमोरी कार्ड निकाल। Hey!
सर, कबीर के होटल पहुंचने से पहले उन्होंने किसी हैकर साइट पर वीडियो अपलोड करने की कोशिश की है। पता नहीं वो अपलोड हुई है या नहीं। मेमोरी कार्ड के साथ शिवा और अनामिका दोनों हमारे आदमियों से बच निकले हैं। कबीर जवाब नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या हुआ है सर। मेमोरी कार्ड के मिलने तक हमें चौकन्ना रहना होगा। सोशल नेटवर्क साइट, ईमेल, व्हाट्सएप, यूट्यूब एक्सेस सब ब्लॉक करवा दो। इस प्रॉब्लम के सॉल्व होने तक इंटरनेट पूरी तरह बंद होना चाहिए। ओके सर। हेलो सर, को टोटल नेटवर्क बंद चाहिए। अच्छा, एक मिनट रुको। What? सर वो स्पीकर पर है। या? सर, हैदराबाद से सैटेलाइट को एक ही सर्वर अपलिंक करता है, इंटरनेट बंद कर पाना मुश्किल है। लेकिन अगर आपके पासवर्ड को यूज करके सैटेलाइट में थोड़ी गड़बड़ी की जा सके तो मैं मेन सर्वर रिबूट कर दूंगा और उसे रिबूट होने में 45 मिनट लगेंगे। सरकारी इंटरनेट के अलावा और कोई नेटवर्क नहीं चलेगा। लेकिन या, गो ऑन। होम ब्रॉडबैंड बंद हो जाएगा, मोबाइल डेटा कनेक्शंस बंद हो जाएंगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, स्टॉक एक्सचेंज, सब कुछ सर, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। एक घंटा लाइट जाने से कितना लॉस होता है जानते हो? आफ्टर ऑल सिर्फ 45 मिनट इंटरनेट बंद होने से पूरा शहर बर्बाद नहीं होगा। जो कहा वो करो। मेरा एक्सेस कोड है EQEPA53। यस सर। राकेश सर, ये वीडियो वायरल हुआ तुम जानते हो ना क्या होगा? पुलिस डिपार्टमेंट की मदद लिए बगैर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अरुण राज को फोन लगा। उस राबरी केस का क्या हुआ? विजयवाड़ा में इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने टीम भेज दी है, शाम तक कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सर बोलिए। अरुण, वी लॉस्ट द मेमोरी कार्ड। वो दोनों कार्ड के साथ भाग गए हैं। मेरे लिए क्या हो रहा है? उन्हें पकड़ने के लिए 45 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखो कि अनामिका अपने बाप को मारकर शिवाजी के साथ भाग गई। हैदराबाद में वो दोनों जहां भी दिखें, शूट देम एट साइट। डिपार्टमेंट से कहो कि मामला नेशनल सिक्योरिटी का है। तुम्हें जो भी परमिशन चाहिए मिल जाएगी। यस सर। मैं पहुंच रहा हूं। ओके सर। पुलिस हेडक्वार्टर चलो। ओके, सब ध्यान से सुनो, यह नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। देखो, शिवाजी शंकर और अनामिका दासरी लवर्स हैं और कातिल भी। जो मारा गया वो लड़की का पिता रंगनाथ दासरी है, यहां का बिग शॉट, सीईओ ऑफ चैनल 24। और जो रंगनाथ दासरी को बचाने गया था वो था सब इंस्पेक्टर स्वामीनाथ। डबल मर्डर ऑन द रन। रंगनाथ दासरी मीडिया के नेशनल फिगर थे, इसलिए केस को सेंटर भेज दिया गया है। हाई कमांड का ऑर्डर है कि उन दोनों को किसी भी कीमत पर पकड़ा जाए। पब्लिक ने आखिरी बार उन दोनों को माधोपुर में गन के साथ सड़कों पर खुलेआम घूमते देखा था। आई नीड दैट एरिया कवर्ड। लड़की और लड़के के स्कूल, कॉलेज और साथ काम करने वालों पर लगातार नजर बनाए रखो। अब तक उन लोगों ने फोन पर किन किन लोगों से बात की और आगे किन किन लोगों से बात करेंगे, उनके साथ वाले, मोहल्ले के दोस्त, व्हाट्सएप, ब्लैकबेरी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक स्टेटमेंट्स, फोन बिल्स, एवरीथिंग। आई नीड एवरीथिंग। वो क्या करने वाले हैं, वो क्या सोचते हैं, उनसे पहले हमें सोचना है। ये पुलिस बंदोबस्त देखकर लगता है कि ये लोग हमारी तलाश में हैं। अगर वो हमें सेलफोन से तलाश कर सकते हैं तो वो हमें क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से भी ढूंढ सकते हैं। वो हमें पकड़े उससे पहले हमें ढूंढना होगा कि इसके पीछे कौन है।
डेटा कार्ड एक्टिवेट करने में और कितना टाइम लगेगा? मैडम मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंटरनेट बंद पड़ गया है, प्लीज थोड़ा वेट कीजिए। मेरा भी डेटा कार्ड काम नहीं कर रहा है, यहाँ सिग्नल ही नहीं है, ना 3G का ना 4G का। सर राउटर रीबूट हो रहा है, मुझे लगता है सर्वर में कुछ प्रॉब्लम है। शायद पूरा नेटवर्क ही बंद कर दिया है, दाल में जरूर कुछ काला है। लगता है पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है। हो सकता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, ये लो इस डायरी में यहाँ के टॉप जर्नलिस्ट के फोन नंबर्स हैं। उनसे कहो मंजीरा मॉल में हमें ब्रेकिंग न्यूज देने वाले हैं, फिर उन सबको अपने साथ ले जाना। इस मेमोरी कार्ड को सीधे गवर्नर के ही हाथ में देना, ये लो बी केयरफुल। लेकिन पासवर्ड? पासवर्ड हम बाद में ढूंढ लेंगे, पहले इस कार्ड को बचाओ, पीछा करने वालों से हमें यही बचाएगा। पर ये कैसे हो पाएगा? मैं फोन करूंगी, लोग जमा होंगे, पुलिस फैली हुई है, कैमरास लगे हैं, अगर थोड़ी भी हलचल हुई तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। पुलिस को मैं डाइवर्ट करता हूँ, यू डोंट वरी, तुम उस पीसीओ से फोन करो, बी सेफ। अगर मैं 4 बजे तक नहीं पहुँचता हूँ तो ये मेमोरी कार्ड गवर्नर को सौंप देना। शिव प्लीज, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। स्टेटस क्या है? सर माधोपुर के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए, उनके भागने का कोई चांस नहीं। या दैट्स ओके, उन्हें फोन करके मुझे बताओ। ओके सर। सर माधोपुर इलाका पूरा ब्लॉक करके सर्च जारी है। गाइस रिपोर्ट। सर क्रेडिट कार्ड आखिरी बार 2 जगह इस्तेमाल हुआ, नोवाटेल में कल रात के डिनर का बिल 9,000, आज फॉर्च्यून होटल में वेबसाइट एक्सेस का 1,600, उसके बाद उसने इस्तेमाल नहीं किया। फिर उसने अपने फोन से सिम निकाल दिया, ब्लैकबेरी व्हाट्सएप सब ऑफलाइन, फेसबुक पर उसके 453 फ्रेंड्स हैं, उसमें से 8 माधोपुर में हैं, उन पर हमारी नजर है, ट्विटर पर 143 फॉलोअर्स, स्काइप के 43 कॉन्टैक्ट्स और 3 ईमेल अकाउंट्स। जो वेबसाइट उसने लगातार यूज की है वो है गूगल, विकिपीडिया और MMI.com। सर सैटरडे रात को उसने हार्ड रॉक पब में अपने 3 दोस्तों के साथ ड्रिंक किया, उनमें से एक शूट आउट में मारा गया, बाकी 2 IT पार्क में काम करते हैं। उसके 12 दोस्त गढ़चिरौली इलाके में रहते हैं, जिसमें से 7 कॉलेज, 3 स्कूल के, 2 मार्शल आर्ट के दोस्त हैं। आज वो कितनी बार टॉयलेट गया? हाँ सर। ये तो माधोपुर की बात है, गारंटी क्या है कि वो अभी भी वहीं होंगे? नहीं सर, खबर मिलने के 5 मिनट के अंदर ही हमने रोड्स ब्लॉक कर दिए, वो दोनों 2 किलोमीटर के दायरे में ही होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। माधोपुर इलाके में पब्लिक प्लेसेस कितने हैं? उनके डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स को ट्रैक करते रहो। ऑलरेडी हमने होटल वालों को उनके फोटोज भेज दिए हैं सर, उनके रूम बुक करते ही या रेस्टोरेंट में बिल देते ही वो पकड़े जाएंगे। अब वो होटल नहीं जाएंगे, इस लिस्ट में से होटल हटा दो। यस सर। वो भीड़ का फायदा उठाकर छिपने की कोशिश करेंगे, अभी 1:30 बजे हैं, मंदिरों में कम लोग होंगे, कहीं मस्जिद में? नहीं सर। तो उसे भी लिस्ट से निकाल दो। यस सर। पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, वो खुली जगह हैं, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, इन्हें भी निकाल दो सर। थिएटर्स, मॉल्स, वहां चेक करो। इस लिस्ट के थिएटर्स और मॉल्स के सिक्योरिटी कैमरास को इमीडिएटली चेक करो। अब देखता हूं कहां तक भागते हैं। मैंने एक्स्ट्रा चीज मांगा था ना? दिया है सर, अगर और चाहिए तो। नो, इट्स ओके, कार्ड से पे करता हूं। थैंक यू सर। नरेश चौथे टेबल पर बिल दो। ओके। सर उसने कैफे में डेबिट कार्ड स्वाइप किया है, 230 रुपीज, बर्गर विद एक्स्ट्रा चीज। टीम R5 माधोपुर रोड नंबर 6 बियॉन्ड कैफे, लड़का लड़की वहीं पर है। आई रिपीट, माधोपुर रोड नंबर 6 बियॉन्ड कैफे, उन्हें फौरन घेर लो, सराउंड देम। Hey, ये आदमी कहाँ है? यही था सर, पता नहीं कहाँ चला गया, कार्ड भी लेकर नहीं गया। सर शिवा कैफे में नहीं है, वो यहाँ अपना कार्ड छोड़कर चला गया है। सच, वो वहीं होंगे, सब अलर्ट हो जाओ, उस कैफे से 1 किलोमीटर की घेराबंदी कर दो। दिखाई नहीं देता है क्या, हीरो बन के घूम रहा है। ए विजय, शिवा बोल रहा हूँ, एक इम्पोर्टेंट बात है। सर उसके दोस्त को कॉल आया है। एवरीवन क्वाइट। सर ये शिवा का कोई विजय नाम का दोस्त है जिसके पास कॉल आया है। लिसन टू दिस। ए विजय, शिवा बोल रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट बात है। हाँ बोल। मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए अभी के अभी ट्रांसफर कर दे। क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बाद में बताऊंगा, अर्जेंटली 5 मिनट में ट्रांसफर कर दे।
उसने कहाँ से फोन किया? मुझे फौरन बताओ, देर किस बात की है? डिटेल्स नोट कर। सर ये BSNL का नंबर है और ये नंबर किसी कदम बाबू के नाम पे रजिस्टर्ड है। उस फोन को ट्रैक करो, वो वहाँ से निकल ना पाए। नहीं, सब वेस्ट है। एक काम करो, इस एरिया की सारी कॉल्स में उसकी वॉइस फ्रीक्वेंसी को मैच करो। वो जानता है कि पुलिस उसे ट्रैक कर रही है। इसके बाद शिवाजी ये फोन यूज नहीं करेगा। फौरन मुझे उस फोन की लोकेशन बताओ। कम ऑन फास्ट। मैं अभी फोन पर बुक कर देती हूँ, नंबर बताइए। 9260-66771। Your booking done. Thank you. Thank you. सर ये एक पब्लिक फोन है, रोड नंबर 8 की दुकान से। पुलिस आधा किलोमीटर दूर है, बस पहुंच रही है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी से कहो कि अलर्ट रहे, उनकी फोटो IDs फैक्स करो, वो मुंबई फ्लाइट पकड़ ना पाए। अरुण वो एयरपोर्ट नहीं जाएंगे। सर्च टीम से कहो कि उस PCO के एरिया को घेर ले। Each and every transport, car, bike, सब सर्च करो। At any cost, वो माधोपुर से ना निकल पाए। सर पैसा निकाला गया, शिवशंकर डेबिट कार्ड, आंध्रा बैंक ATM, वो स्टेशन के बगल में है। पैसे? सर शिवाजी के कार्ड से किसी और ने पैसे निकाले। दोस्तों का तलाशी लो। दोस्त जैसा तो नहीं लगता सर। कोई फेसबुक फ्रेंड हो सकता है। सर फेस ही शेप में नहीं है सर। CCTV कैमरा फुटेज दिखाओ। सर मूव। ये समय अकेला कैसे? मुझे किसी ने लड़की के बारे में खबर क्यों नहीं की? और लड़की है कहां? He knows we are watching him. सर मंजीरा मॉल के बाहर का फुटेज रिकॉर्ड हुआ है, ये देखिए। See this. रुको, पैसा ही दिख रहा है। Zoom in. बाहर के CCTV कैमरे का फुटेज दिखाओ। Yes, sir. Quick. सर ध्यान दो, टीम R5 मंजीरा मॉल, गोफर अरुण राज। यस सर, R5 रामकृष्णा रिस्पॉन्डिंग। मंजीरा मॉल के बाहर ये मीडिया वैन्स क्यों खड़ी है? चेक करके बताता हूँ सर। सर मंजीरा मॉल के बाहर 15 OB वैन और 30 मीडिया रिपोर्टर्स मौजूद हैं। उन सबको किसी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में पता चला। सारी पुलिस फोर्स को मंजीरा मॉल भेजो। सर ही इज प्लेइंग विथ अस। मीडिया के जानने से पहले आई वांट देम डेड, DEAD डेड। गॉट इट? ओके सर, मंजीरा मॉल को घेर लो। सारी टीम्स नाउ। ये किसी ने प्रैंक कॉल किया है या वाकई में कोई ब्रेकिंग न्यूज है अभी पता चल जाएगा। सर हम मॉल पहुंच गए हैं। सर हमें शिवा दिख गया है, हम उसके पीछे जा रहे हैं। गेट हिम, उस पर नजर रखो, बच के जाने ना पाए। अनामिका पुलिस आ रही है, चलो। सर वो मुझे दिख गया है, वो फर्स्ट फ्लोर पे है सर, मैं उसके पीछे भाग रहा हूं। I'm sorry, Shiva. Shivaji, pink t-shirt और blue jeans में सर। वो back exit की तरफ जा रहे सर। सर
सारी टीम्स बैक एग्जिट पर पहुंचो। आई रिपीट, ऑल टीम्स, शिवाजी पिंक टी शर्ट ब्लू जींस में, पिंक टी शर्ट ब्लू जींस में। सर हम पीछे के दरवाजे पर हैं। तुम्हारा निशाना शिवाजी है। यहाँ बहुत भीड़ है सर, शिवाजी पर निशाना लगाना मुश्किल है। कोई बात नहीं, कीप लुकिंग, ढूंढते रहो। पिंक टी शर्ट ब्लू जींस, पिंक टी शर्ट ब्लू जींस। टारगेट आंखों के सामने है सर। शूट हिम डाउन। सर आर यू श्योर? मैंने कहा उड़ा दो उसे। लेकिन यहाँ काफी लोग है सर, किसी को गोली लग गई तो? बेवकूफ, उसे गोली मार अभी। ये आदमी शिवाजी नहीं है सर। आई रिपीट, ये आदमी शिवाजी नहीं है। मैंने सोचा नहीं था वो लोग गोली चलाएंगे। लकीली गोली उसके सिर्फ हाथ में लगी है। पुलिस और गुंडे सब हमारे पीछे पड़े हैं शिव। जस्ट काम डाउन, मेरे साथ चलती रहो। सर मीडिया यहाँ मौजूद है, वो हमसे सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हैं सर। काफी टेंशन है, पब्लिक पर गोली चलने से मीडिया नाराज है। दिस इज सेंट्रल मिनिस्टर ऋषिदेव। सर मुझे सुन सकते yes, हो? जैसा कहूं वैसा करो। यस सर, यस सर, ओके सर, श्योर सर। सर, सर पुलिस ने गोली क्यों चलाई हमें बताइए। सर, सर प्लीज सर, हम रुकिए, शांत हो जाइए। ब्रेकिंग न्यूज देने के लिए आप सबको रॉन्ग कॉल किए गए थे। हम यहाँ शिवाजी शंकर और अनामिका दासरी नाम के दो कातिलों को खोजने आए थे। पैसों के लिए वो दोनों किसी का मर्डर करके भागे हैं। जिसका मर्डर हुआ वो उस लड़की का बाप था। वो चैनल 24 के सीईओ थे, मिस्टर रंगनाथ दासरी। उस लड़की को शिवाजी ड्रग सप्लाई करता था, ऐसी खबर मिली थी हमें। इतना ही नहीं, उसने एक सब इंस्पेक्टर को मौत के घाट उतार दिया। उनके पास हथियार हैं, वो खतरनाक हैं। उन्हें पकड़ने के लिए हमने यहाँ एक गोली चलाई जिससे एक आदमी घायल हो गया है। जो भी उन दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से उसे 5,00,000 का इनाम दिया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू। अनामिका, रो मत, स्टॉप इट। हम पुलिस में जाकर सरेंडर कर देते हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सरेंडर करने के बारे में सोचो भी मत, प्लीज। एक्सक्यूज मी, इंटरनेट काम कर रहा है क्या? हाँ, दौड़ रहा है। 25,000 वाला पैक जो है, क्या हुआ? अब 5 मिनट के लिए आपका लैपटॉप यूज कर सकता हूँ? 4,50,000 का लैपटॉप है, यूज करने का 5,000। सर किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, बस एक क्लिप देखनी है। कैसी क्लिप? सर इस वक्त मैं उस मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, जरा हेल्प कीजिए प्लीज। फ्री में ले जाओ। लेट्स होप जो वीडियो हम अपलोड करने की कोशिश कर रहे थे वो अब तक अपलोड हो चुका होगा। देखते हैं। लोगों का ध्यान शूटआउट से हटाकर शिवाजी पर लगाओ। ये बात सारी यूनिट्स को बता दो। इन्फॉर्म ऑल द यूनिट्स और इस बार कोई गलती ना होने पाए। सर, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करो। फॉलो माय ऑर्डर्स। आपसे कुछ कहूं? लेट्स वर्क ऑन इट। मेरे साथ आइए सर। इस केस को मैंने लगभग क्रैक कर लिया है सर। एक तो पहले से ही ये केस गलत ट्रैक पर जा रहा है। ये सारी प्रॉब्लम एक वीडियो की वजह से है। मेरे सीनियर मेरी बात नहीं सुनते सर, वो मुझे जूनियर समझते हैं, मुझे बोलने नहीं देते सर। इसलिए मैं डायरेक्टली आपको बताने आ गया सर। मेरे बारे में कुछ सोचिएगा सर। या शो गोन। ये देखिए सर, मंजीरा मॉल से ब्रेकिंग न्यूज देने के लिए 50 न्यूज चैनल्स को कॉल किए गए। जानते हैं ये फोन किसने किए सर? जिनकी हमें तलाश है, शिवाजी और अनामिका। अगर सच में वो मर्डर करके भागे होते तो इतने सारे न्यूज चैनल्स को क्यों बुलाते सर? इसी सवाल के जवाब के लिए मैंने कुछ डीप इन्वेस्टिगेशंस की हैं सर। जब वो होटल में रहने गए थे तो उन्होंने एक्स्ट्रा 250 रुपीज देकर इंटरनेट एक्सेस खरीदा था। वहां रहने के 1 घंटे बाद unlocksmith.com पर, जो हैकर साइट है, एक वीडियो अपलोड किया था सर। तो उन दोनों ने इसी वीडियो को अनलॉक करने के लिए होटल में चेकिंग किया था। मैंने उनकी लॉगिन आईडीज, क्रेडिट कार्ड, ईमेल अकाउंट सबको हैक करके वीडियो को डाउनलोड पर लगा दिया था सर। वो अब डाउनलोड हो गया है, हम साथ साथ देख सकते हैं सर।
थैंक गॉड, यस, वीडियो अपलोड हो चुका है। चौको, 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 हे, नाइस। ये मुझसे ज़्यादा तुमसे प्यार करता है। हे, ये तो एक्ट्रेस नेहा शर्मा है। और ये वो आईबी मिनिस्टर ऋषि देव है ना? आज बहुत देर हो गई है और कल मुझे शूट पर भी जाना है। चौको, तुमने कल पार्टी इसीलिए दी थी कि शूट खत्म हो गया है। वो अलग फिल्म थी, ये अलग फिल्म है। तो उस फिल्म के डायरेक्टर हीरो तुमसे फ्लर्ट तो नहीं करते? इंडस्ट्री में सब हमारे अफेयर के बारे में जानते हैं। ये जानने के बाद किसकी हिम्मत कि मेरे साथ मिसबिहेव करे। लोगों में ये डर रहना ही चाहिए। तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी तुम पर फिदा हो जाए। कम से कम आज तो अपनी बीवी को। मेरी जान, क्यों याद दिला रही हो? तुम समझ नहीं रहे हो। क्या? हम कितने दिनों तक इस तरह मिलेंगे उसे बताना ही होगा। मैं ऐसे नहीं कर सकती, ये बात छिपी नहीं रह सकती। Forget it, sweetheart. ये टाइम सिर्फ प्यार करने का है। You're so hot, babe. नहीं ऋषि, आज तुम्हें उसे बताना ही होगा। भले ही तुम शादीशुदा हो, फिर भी हम प्यार करते हैं और ये गलत नहीं है। तुम अपनी वाइफ को डिवोर्स कब दोगे? तुमसे कितनी बार कहा है कि हर बार ये टॉपिक मत छेड़ो। मैं उसे बता दूंगा। ऋषि, आई एम प्रेग्नेंट। क्या? आज से 7 महीने बाद तुम बाप बनने वाले हो, डॉक्टर ने कंफर्म किया है। सिर्फ इतना ही ना, तो इसके लिए परेशान क्यों? कल ही चलकर एबॉर्शन करवा लेंगे, ओके? क्या हो गया तुझे? What's wrong with you? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? नेहा, इसमें समझना क्या है? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी मेरे साथ सोई? मेरे साथ सोने वाली हर औरत मेरी बीवी बन जाएगी क्या? नेहा, नेहा, I said stop it! पागल मत बनो नेहा! नेहा, what's wrong with you? क्या हो गया तुम्हें? Bloody what's wrong with you? हर बार छे नेहा, कम ऑन, गेट अप। कार में बैठिए, मैं कुछ करता हूं। चलिए सर। नेहा प्रेग्नेंट थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस को मैं संभाल लूंगा, आप चलिए। गॉड,
दोस्त, मैं तुम्हारा पेन ड्राइव यूज कर सकता हूँ? सर, आज तो मैं ऑफिस आया ही नहीं सर। मैंने ये वीडियो नहीं देखा सर। मैंने कुछ नहीं खोजा। प्लीज सर, मुझे यहाँ से बाहर जाने दीजिए। कोई मुझे नहीं देखेगा। मैंने यूएस के लिए वीजा अप्लाई किया है सर। प्रॉमिस सर, मुझे छोड़ दीजिए। मैं नया लैपटॉप खरीदूंगा। गए पौने चार लाख। सरेंडर कर देते हैं शिव, मेरी बात मान लो। तुम सरेंडर करने की बात बार बार क्यों दोहरा रही हो अनामिका? सरेंडर का मतलब मौत होगी, क्या ये ठीक लगता है तुम्हें? नेहा का मर्डर उसने किया, इस बात का सबूत अब हमारे पास नहीं है शिवा। ये बात हम जानते हैं, पर वो नहीं जानता। कहने पर भी नहीं मानेगा। जिस डर से उसने सच को छिपाया है, वही डर अब उससे सच उगलवाएगा। मेरा प्लान ध्यान से सुनना। ओके। अनामिका, यह हमारी आखिरी लड़ाई है। हो सकता है आज के बाद हम कभी ना मिले, और अगर मिले भी तो पता नहीं कि... I love you, Shiva. I love you too. Hello? Yes, police control room. अगर शिवाजी और अनामिका की इन्फॉर्मेशन देनी हो तो यही नंबर है ना? हाँ यही है, बताइए क्या इन्फॉर्मेशन है? जिस शिवाजी को आप लोग ढूंढ रहे हैं वो मैं ही हूँ। इस केस को हैंडल करने वाले चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात कराइए। एडीजी को लाइन कनेक्ट करो। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अरुण राज हियर। शिवाजी, अब मेरी बात सुनो। नहीं, अब तुम मेरी बात सुनो और बीच में मत बोलना। स्पीकर बंद करो और तुम्हारे पास खड़े उस मिनिस्टर ऋषि को फोन दो। या अब ये चूहे बिल्ली का खेल हम बंद करें। क्यों, थक गए क्या? आई नो, ये तो होना ही था। तुम आओगे या मैं आऊं? छोटे बच्चों के वीडियो गेम्स में भी कुछ रूल्स होते हैं। लेट्स प्ले बाय द रूल्स। यप, आई लव गेम्स। काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 1, 9 PM। कैश लेकर आना, मेमोरी कार्ड लेकर जाना। 9:15 बजे मैं भेज बदल कर वहां पहुंचूंगा। बाय द वे, बगल में खड़े कमिश्नर को इतना कह दे, मेरे फोन में इस वक्त 600 कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं। अगर मुझे रेलवे स्टेशन पर एक भी पुलिस वाला नजर आया ना, तो मेरे दाएं हाथ की उंगली से एक बटन दबाकर मैं तेरा फ्यूचर बर्बाद कर दूंगा। एंड बाय द वे, अमेरिकन टूरिस्टर बैग, 2 करोड़ कैश। सर, आप एक प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं, रिस्क है, एक बार सोच लीजिए। नहीं, कुछ गलत होने पर रिस्क उसका होगा, मेरा नहीं, क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हूं। ओके बॉयज, अपनी पोजीशंस बताओ। पोर्टर सर, आई एम इन पोजीशन सर। टीसी सर, मैं पोजीशन पर हूं सर। पैसेंजर सर, मैं पोजीशन में हूं। सर, सब कुछ ठीक है ना? यस सर।
एवरीथिंग इज फाइन, आप एंटर कर सकते हैं। आई ट्रस्ट यू। मफलर निकाला तो वीडियो हर मोबाइल पर होगा। वो बिना मेमोरी कार्ड दिए बैग लेकर गया है, रेड मफलर में है। रेड मफलर गाइस, क्या उसे कोई देख पाया? सर मैं उसे देख सकता हूँ, शूट करने का ऑर्डर दीजिए सर। दैट्स हिम, इट्स कंफर्म नाउ, कम ऑन बॉयज, लेट्स गेट हिम। हेलो, अगर मफलर निकाला तो वीडियो हर जगह फैला दूंगा। तेरी ट्रेन के छूटने का टाइम हो गया। Move, move! Hey, come on, no. Surrender! No, no, no! Surrender! Hey, मैं हूँ। प्रेस को किसने बुलाया? Who called the press? हेलो, तुझे बॉम्ब दिखाई दिया ना? तेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, वो बॉम्ब 30 सेकंड में फट जाएगा। ए! अगर बैग फेंका तो उस बॉम्ब को अभी फोड़ दूंगा। 30 सेकंड बाद मरना है या अभी मरना है ये खुद तय कर ले। मुझे भगाकर बहुत मजा आया ना तुझे। Your time starts now. Hey, इसमें बॉम्ब लगा हुआ है, 30 सेकंड में फट जाएगा। Run! समझ नहीं आ रहा आखिर हो क्या रहा है। सभी लोग अलर्ट हो जाओ, ट्रेन को रोको, चेक ऑल द कंपार्टमेंट, फोर्स बी अलर्ट। यूनिट 1 रिपोर्ट, उस ट्रेन को रोका क्या? यस सर, हम कोशिश कर रहे हैं सर, ट्रेन रुक गई। गुड, यूनिट 1 ट्रेन को सर्च करो, यूनिट 2 स्टेशन को चारों ओर से घेर लो। सर पूरी ट्रेन छान मारी, वो कहीं नहीं मिला। ओह नो, तो कहां चला गया वो? ठीक से देखो सर। लिसन सर, ये देखिए सर, उसका फोन ट्रेस हो गया, वो विजयनगर की तरफ जा रहे हैं। सीधे चलो, गो स्ट्रेट, यही वो जगह है। ऑल यूनिट्स, वो लोग विजयनगर जंक्शन पर रुके हैं, वहां जल्दी पहुंचो। विजयनगर जंक्शन, नोट क्विकली। यहां से 50 मीटर पर, कम ऑन फास्ट, वहां सर्च करो। ओके सर, ये तो 50 मीटर दिखा रहा है, लेकिन वो है कहां? ये 50 मीटर क्यों दिखाता है जबकि आसपास कोई नहीं है? शिव, मैं फिर से पूछता हूं, यहां क्यों लेकर आए हो मुझे? तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, पैसा, पोजीशन, बताओ। चुप रहने से कुछ नहीं मिलेगा। मेमोरी कार्ड कहां है, बताते क्यों नहीं? मेमोरी कार्ड तो टूट चुका है, पर तुम्हें सब कन्फेस करना होगा। Oh. बस यही मेरी एक डिमांड है। hmm.
सर ऑलरेडी ये न्यूज सारे न्यूज चैनल्स पर टेलीकास्ट हो रही है, हम क्या करें? अपने चैनल के सारे प्रोग्राम्स कैंसिल कर दो, इसका लाइव टेलीकास्ट करो। ओके सर। हमने पूरी बिल्डिंग सर्च कर ली, वो यहाँ पर नहीं है सर। आप सब इन्हें जानते हैं, ये है ऋषि देव, सेंट्रल आईबी मिनिस्टर, लेकिन इसके अलावा ये एक मर्डरर भी है। जनता से ही पावर लेकर जनता को ही बर्बाद करने वाला एक डिक्टेटर। हीरोइन नेहा शर्मा को मारकर उसे गैस एक्सीडेंट में बदलने वाला एक वहशी दरिंदा। क्या मैंने यहाँ बैडमिंटन नेट दिख रहा है, ये स्टेडियम लग रहा है, कहाँ ये स्टेडियम? सर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक इंडो स्टेडियम तो है। ये 1 मीटर क्यों दिखा रहा है? सारे यूनिट्स को बुलाओ इमीडिएटली। नेहा शर्मा के मर्डर के सबूत की सीसीटीवी फुटेज पाने के लिए इसने चैनल 24 के सीईओ रंगनाथ दासरी, सीनियर जर्नलिस्ट राजेश और एसआई स्वामी को पिछले 24 घंटों में अपने राजनीतिक फायदे के लिए मार दिया है। क्योंकि वो मेमोरी कार्ड मेरे पास था तो इसने मुझे और अनामिका को हत्यारा घोषित करवा दिया। वो वीडियो पब्लिक तक ना पहुंचे इसके लिए इसने शहर का इंटरनेट बंद करवा दिया। इसने पुलिस को अपने कुत्ते की तरह इस्तेमाल किया। इस भाग दौड़ में वो मेमोरी कार्ड टूट गया, लेकिन अब ये सबके सामने गुनाह कबूल करेगा वरना सबके सामने मरेगा। बोल बोल। क्या बोलूं? ओह, यही कि तुम्हारी बात सच है? ठीक है, ओह ओके, पर पहले तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारा मकसद क्या है? क्या ऑपोजिशन पार्टी ने तुम्हें भड़काया है? हाँ, या फिर तुम्हें ड्रग लेने की आदत है? शिव, तुम एक नौजवान हो, तुम्हारे जैसे नौजवान इस देश का भविष्य है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा पाकिस्तान से कोई लिंक है? मिस्टर शिव, माय कंट्री डजंट नेगोशिएट विद टेररिस्ट। मेरे देश में आतंकवादियों के लिए कोई जगह नहीं, और अपने देश के लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। मुझे मार दो। In fact, I'll be thankful to you. ये मेरा सौभाग्य है कि मैं देश के लिए मर रहा हूं। मेरा देश मुझे मेरे परिवार से भी प्यारा है। I just love my countryman. मर दो। ए, बहुत हुआ। बकवास बंद। कैमरा देखा नहीं? तुम्हारा नाटक चालू। कितने नकाब पहने हैं तुमने? सुबह से रात तक सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग और झूठ। दूसरों की तरक्की देखी नहीं जाती तुमसे। लोगों की पीठ में छुरा भोंकने वाले तुम हो। इतनी जायदाद है फिर भी लालच है। तुम्हारे हर बात में स्वार्थ है, हर कदम पर धोखा है। बीवी बच्चों तक से मक्कारी करते हो। भरोसे और विश्वास की जगह ही नहीं है। थू। फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल को बदलकर फॉर माई प्रॉपर्टी, फॉर माई प्लेजर, फॉर माई पोजिशन बनाकर रख दिया है। तुम जैसे लोग समाज में कैंसर की बीमारी की तरह फैलते जा रहे हो। भूल जा, ये नाटक छोड़कर सीधा मुद्दे पर आते हैं। मैं मरने को तैयार हूं। तुम्हें मरना है या जीना है, यह तुम खुद तय कर लो। अब कोई काउंटडाउन नहीं होगा। अब यहां कोई बोलेगी तो वो मेरी बंदूक की गोली या तुम्हारी जुबान। अब जनता फैसला करेगी। मैं डिक्टेटर हूं। यस आई एम अ डिक्टेटर। नेहा शर्मा को मैंने मारा। आई किल नेहा शर्मा। नेहा शर्मा को मैंने मारा। पुलिस के सामने बोल रहा हूं मैं। अब बोल तू क्या कर लेगा? नेहा शर्मा को मैंने मारा है। आई किल्ड हर। ये कल का छोकरा आकर मुझे डराएगा? होने वाले पीएम को सिखाएगा? इसे कहते हैं पॉलिटिकल पावर। और मेरे जैसे पावरफुल आदमी के सामने तेरे जैसे आम आदमी की कोई औकात नहीं। अरुण सर, डोंट किल हिम। इसे मत मारना, लड़की को मारना और वो वीडियो इसे दिखाना ताकि ये जेल में बैठकर उसकी याद में तड़प तड़प कर मरे। ही शुड डाई देयर। ही शुड डाई देयर।
ले जाओ। मुझे मारने आया था। पर वो मुझे देखकर हंसा क्यों था? आई किल नेहा शर्मा। नेहा शर्मा को मैंने मारा। पुलिस के सामने बोल रहा हूं मैं। अब वो तू क्या कर लेगा? डोंट किल हिम। लड़की को मारना और वो वीडियो इसे दिखाना ताकि ये जेल में बैठकर उसकी याद में तड़प तड़प कर मरे। आई किल नेहा शर्मा। नेहा शर्मा को मैंने मारा। Yes? ये जेल में बैठकर उसकी याद में तड़प तड़प कर। सर, होम मिनिस्टर लाइन पर। अरेस्ट है। यस सर, मैं सिक्योरिटी चीफ को इन्फॉर्म करता हूँ। इसे कहते हैं पॉलिटिकल पावर। हाँ, बोलिए। सर, आपके लिए फोन है। Yes, this is Security Chief Malcolm. Are you sure, sir? Okay, right, sir. Stop the car. हाँ, मैं उनकी कार की तरफ ही जा रहा हूँ. Sir. Yeah? Please. बटन कैमरा वायरलेस 3G ट्रांसमिशन वाला, एक क्लिक और buttoncamera.com पर जाकर सीरियल नंबर डालने के बाद कैमरा में जो रिकॉर्ड होगा ऑनलाइन भी दिखाई देगा। जेल की ऊंची दीवारें मेरे लिए नहीं, तेरे लिए। जंग शुरू करने वाला उसे नहीं जीतता, जंग खत्म करने वाला जीतता है। एंजॉय योर टाइम इन जेल। ये 2 करोड़ रुपए मुझे सरकार को देने चाहिए, लेकिन पिछले 2 दिनों में अगर किसी को सरकार का काम करते देखा है तो वो तुम्हारे पिता को। आप कौन है? आज से अपना बड़ा भाई समझो। तो कहाँ चले? अपने घर चले। कहाँ? मेरे घर? मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो फिर मेरे घर पर चलो। तुम्हारा और मेरा घर एक ही तो है। ठीक है, चलो।